हमारे टेंशन को और लोग भी महसूस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स, आप जो सोचते हैं, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ रियलाइजेशन है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स. आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स. यस, हम ये नहीं मैं कह खुद ही सकते. जनक हूँ अपनी. यस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शिफ्ट कर देते हैं. उन्होंने ऐसे बोला, तो हम खुद ही मतलब निर्माता निर्देशक हैं इस फिल्म के, अपनी फिल्म के. जी अपने डायलॉग्स हम खुद लिखते हैं, जी और जो डायलॉग्स हम लिखते हैं वो हम जी फील करते हैं. ये हमारी पिक्चर चल रही है, ये हमारी लाइफ, एक प्रकार से हमारी मूवी है. हमारी स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख सकता है, हमने खुद ही लिख दी है और रोजाना वो पर चलता कभी है. कभी हम अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे होते ना, बैठ करके हम मन में अपनी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे होते हैं, हम दूसरे की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं. इनको ऐसे बोलना चाहिए, इनको ऐसे व्यवहार करना चाहिए, इनको ऐसे, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसे बोला था तो इनको ऐसे बोलना चाहिए. सो आई एम राइटिंग देयर स्क्रिप्ट. ये मेरे साथ रोजाना होता है. ये सड़क पे ऐसे क्यों चला रहा है, क्यों किस क्या देख नहीं रहा है इस इंसान को, क्यों रॉन्ग साइड से आ रहा है. मैं मतलब लगातार ही चलता है. अब कोई बोलता भी है मतलब है, क्योंकि मैं टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, तो उसने ऐसे क्यों बोला, किस तरह का सवाल पूछा है. इस सवाल में तो सिर्फ हिमाकत ही हिमाकत थी. तो मैं लगातार जज करती हूँ, मुझे उससे अंदर अंदर गुस्सा भी आता रहता है. सी, और मुझे एक्टिंग भी करनी पड़ती है कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तब भी अपना धैर्य बनाकर बोल रही हूँ. पर और इसमें नुकसान किसका हुआ? आप देखो, उस मोमेंट में हमारे पास चॉइस होती है. आप एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मुझे वो क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा है जी. ना, मेरे पास एक ऑप्शन है. यहाँ पर हमेशा एक ऑप्शन है, आज हम क्रिएट करते हैं. एक ऑप्शन है, ये कैसा सवाल पूछा है, इनको सवाल भी नहीं पूछना आता है, ये भी कोई सवाल पूछने का तरीका है ना. जस्ट सी थ्री थॉट्स, कैसा सवाल पूछा है, ये कोई सवाल है, ये तीन थॉट ने आपके अंदर कौन सी फीलिंग क्रिएट करी? आपने भी बोला था, कौन सी फीलिंग क्रिएट करी? गुस्से की, गुस्सा. पर आप पता, उस समय इरिटेशन या गुस्सा कह सकते हैं. पर अगर किसी ने आकर के आपसे पूछ लिया मतलब ना, झुंझला से जाते हैं कि कैसे बंदा ड्राइव कर रहा है, लोग ही कैसे रह रहे हैं, क्यों ख्याल नहीं रखते. बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान भी करती हैं. जैसे अखबार भी हम खोलते हैं तो उसमें मुझे बहुत गुस्सा आता है. मैं लगातार बहुत कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ती हूँ, क्राइम्स के बात होती है, वृद्धों के साथ जो जो हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ क्यों कुछ हम लोग का, हम कैस किस तरह के लोग हैं, क्या हमारी सोसाइटी किस तरह के लोगों को पनपने का मौका दे रही है यू नो. हमारे बट बीच देन में. वी आर ऑलवेज तो वेटिंग गुस्सा फॉर तो अदर जरूरी पीपल है टू ना, चेंज. गुस्सा जरूरी है, जरूरी है ना, हमने लड़ना है इन सब. जो कुछ लोग हैं जो राक्षस जैसी हरकतें करते हैं जिससे लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, बच्चियों की जिंदगियां, उनके माँ बाप की जिंदगियां, तो जाहिर है गुस्सा तो आएगा ना. पहले हम उस बात को फिनिश करते हैं. आपने कहा कि उन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चंस सवाल पूछे, जी. आपने अपने मन में कहा उन्होंने ऐसा क्यों पूछा, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, किस ये तरह जो का आप, सवाल है ये आपने अपने मन में चलाया, ठीक है. जी. उन्होंने अपना रोल प्ले किया, आप उनके रोल को चेंज कर सकते हैं? नहीं. आप उनको कह सकते हैं सवाल नहीं पूछो? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते. वहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. अब ये जो आपने अंदर सोचा, ये किसका नुकसान हुआ? क्योंकि आपने, मैं इरिटेट हो गई, मैं थोड़ी परेशान भी हो गई और गुस्सा भी हो गई और अगर अंदर उस अंदर. समय आकर के कोई आपसे पूछ लेता कि आप गुस्सा क्यों हैं, तो आप कहते कि मैंने ये सोचा इसलिए मैंने गुस्सा क्रिएट किया. यू वुड हैव पॉइंटेड द फिंगर एट द पर्सन, अदर पर्सन, दूसरे इंसान पर मैं. लेकिन वो हो जाता है गुस्सा, मतलब आप करते नहीं हैं. आप करते नहीं हैं ये हमको लगता है, पर एक्चुअली किसने गुस्सा आ किया? जाता है ना, मतलब आप लाते नहीं उसे कहीं से, वो है अंदर आपके. सी, किसी ने वो आपके गुस्से का जो है बटन दबाया, तभी तो आपको गुस्सा आया. पर वो तीन थॉट किसने क्रिएट किए? वो आपके मन में जाके क्रिएट कर सकते हैं? आपने कहा नहीं गुस्सा नहीं आ जाता है, पहले तो आपने कहा उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने जो बोलना था बोला. हम किसी को, एवरीबडी हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो जी. वहां बैठ करके कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन वो वहां बैठ करके बोल रहा है, यहाँ कौन बोल रहा है? वो जो बोल रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं कोई है. तो बोल रहा है यहाँ पे, कौन बोल रहा है मुझे मालूम कौन नहीं. यहाँ जो बोल रहा है वो हमारे कौन बोल रहा है? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते कि वो कोई और है, वो तो आप ही ये कह रही हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है. पहले तो हमारी मेरी खुद की क्या जिम्मेदारी है,
अपने गुस्से और गुस्से वाले विचार को लेकर अपने ही मन में, जो मन की ही उपज है। पहले रियलाइजेशन की वो मैं क्रिएट कर रही हूँ, हाँ फर्स्ट थिंग द रियलाइजेशन दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। देखो इट्स वेरी इजी टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने ऐसा पूछा था तो गुस्सा तो आएगा, खत्म हो गया ना। उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि मुझे गुस्सा आएगा ही, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। फिर हम कहते हैं गुस्सा तो नेचुरल है,